हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कम हियर विद अ न्यू पार्ट ऑफ द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दिस इज़ अ फिफ्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री क्लास 9th। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमेंबर दैट द वैल्यू Avogadro's number, it is an important one value. It can shown by Na and its value is fixed 6.022 × 10⁻²⁰ + 23⁰. This value is a constant value. It is actually a value of the 1 mole. It is actually value of 1 mole. Let us start. Gram atomic mass, GAM, the quantity of an element whose mass in grams is numerically equal to its atomic mass. This is a definition of gram atomic mass. ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है ग्राम एटॉमिक मास की। द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इज ग्राम्स, जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, जिस एलिमेंट की हम क्वांटिटी ले रहे हैं, उसका मास अगर हम ग्राम्स में ले और वो न्यूमेरिकली इक्वल हो, किसके हो, एटॉमिक मास के इक्वल हो। एटॉमिक मास हमने लर्न किया था टेबल के अंदर, जो मासेस लर्न किए थे, लाइक हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का आपका 7 था। इसी तरह से जो हमने एटॉमिक मास वैल्यू याद की थी, ऑक्सीजन का 16 था, उसके इक्वल हो कौन सा मास, ग्राम में जो मास आ रहा है वो एटॉमिक मास, इन यूनिफाइड मास के इक्वल हो, तो हमारे पास हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स, इन सिंपली वे से द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स देन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम ऑफ एटम। दिस इज अ सेकंड डेफिनेशन। अपर वन इज अ एग्जैक्ट डेफिनेशन, सेकंड इज अ सिंपल डेफिनेशन। थर्ड, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 mole ऑफ एटम्स। The gram atomic mass of substance represents the mass of 1 mole of atom. What this means? That means 6.022 × 10⁻²³ atoms of that substance. Because 1 mole's value is how many particle contained by 1 mole? 6.022 × 10⁻²³ atoms. 1 mole के अंदर कितने atoms consist होंगे? इतने atom consist होंगे. और उनका जो weight होगा वो उसके mass के equivalent होगा. See the examples. Atomic mass of oxygen is 16 unified mass and gram atomic mass of also in grams, but only we change U, replace the U with the grams. Atomic mass of chlorine is 35.5 unified mass, but gram atomic mass is also 35.5 gram. Next is gram molecular mass or molar mass. A quantity of the substance whose mass in grams is numerically equal to its molecular mass. वो क्वांटिटी या सब्सटेंस जिसका मास ग्राम्स के अंदर न्यूमेरिकली इक्वल हो उसके मॉलिक्यूलर मास के। सिंपली बेटा वहाँ पे एटम के मास के इक्वल था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको कैलकुलेट करने सिखाया है लास्ट पार्ट में। देन ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास इट इज कॉल्ड, इन सिंपल वे से द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 is 16 × 2, because here is a 2 oxygen atom combined together to form this molecule, then 32 unified mass, then gram molecular mass of oxygen is 32 gram. Molecular mass of glucose is 180 unified mass, so gram molecular mass is 180 gram. Now see how to convert in it, this is not important, this is only for understanding, ye syllabus mein important nahi hai, not included in syllabus. 1 mole of the carbon atom contained 6.022 × 10⁻²⁰ atoms. ये हम जानते हैं from the atomic mass unit. 1 mole of carbon contain how many atoms? 6.022 × 10⁻²⁰ atoms. Then atomic mass of carbon is 12 gram. Gram atomic mass निकालना है तो unified mass into mass of proton into Avogadro value. ये हमारे पास formula होता है उसे gram में convert करने का। When we multiply that 12 × 1.67 × 10⁻²⁴ gram, that is the mass of proton, into 6.022 × 10⁻²⁰ Avogadro value, then we get it, these both values are cancel out each other, ये दोनों value एक दूसरे को cancel कर देंगे numerically और हमारे पास बचेगा only ये, तो हमारे पास directly convert करना होता है, तो इसलिए हम उसे directly ही convert कर देते हैं, unified mass से gram में convert कर देते हैं, this is the main reason here. Okay, see one more example. 1 mole of water molecule, 6.022 × 10⁻³ molecules. Similar sense में हम उसे mass of proton से Avogadro value से जब multiply करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को cancel out कर देंगी और हमारे पास gram में convert हो जाएगा. Clear? Next is concept, that is mole concept. Mole. A mole is the amount of substance that contains many elementary entities, atoms, molecules, ions, etc.
मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है कि कितना गिवन अमाउंट के अंदर हमारे पास सब्सटेंस है, जो हमने सब्सटेंस लिया उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कितने आयंस प्रेजेंट हैं, दिस कैन टेल्स अबाउट बाय द मोल। एज देयर एटम्स इज एग्जैक्टली 0.012 kg ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप, दैट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जब उसका जो एग्जैक्टली एटम है वो किसके इक्वल हो, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के इक्वल हो। नाउ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल टू 6.022 × 10²³। एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट किया कि जो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप है उसका जो मास है कितना है, उसके अंदर पार्टिकल आए 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स आए, उसे हमने एवोगैड्रो वैल्यू नाम दिया। दिस वैल्यू और नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रो वैल्यू। तो ये जो एवोगैड्रो वैल्यू है वो कार्बन 12 आइसोटोप के लिए ही थी, और हमने कार्बन 12 आइसोटोप को क्या लिया, एज अ रेफरेंस लिया है एटॉमिक मास यूनिट का, इसलिए इसको हमने एटॉमिक मास यूनिट के स्केल पे एवोगैड्रो वैल्यू को यूज़ किया। नाउ दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एटम्स आयंस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। मोल कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है कि गिवे गए सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने आयंस प्रेजेंट हैं। सी, वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। जो वन मोल ऑफ सब्सटेंस है वो किसके इक्वलेंट होता है, एवोगैड्रो वैल्यू के इक्वल। वी नो दैट व्हाट इज एवोगैड्रो वैल्यू, एवोगैड्रो वैल्यू कंटेन 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स। पार्टिकल मीन्स हेयर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। ये हमारा एंटाइटीज का मीनिंग हो जाएगा। नाउ सी सम फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेटेड बाय गिवन मास पर मोलर मास। व्हाट इज अ गिवन मास, जो हमें गिवन मास होगा जो भी कैलकुलेट करना है, लाइक हमने से पूछ लिया कि 100 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो मेरे पास गिवन मास क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और मोलर मास, मोलर मास हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, 18 ग्राम आता है, 18 यूनिफाइड मास आता है, उसे हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर कितना हो गया हमारे पास, 18 ग्राम। तो उसको डिवाइड में रख देंगे और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इन शॉर्ट, नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंट बाय एन लेटर एंड गिवन मास इज लेटर बाय स्मॉल एम एंड मोलर मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द सेम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम मोलर मास कहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ग्राम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला, जब हमें गिवन पार्टिकल्स दिए हों, ग्राम में वेट ना देकर 6.022 × 10²³ यानी पावर के अंदर पार्टिकल्स दे दिए हों और उसमें एवोगैड्रो वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स शोन बाय एन एंड एवोगैड्रो वैल्यू बाय एन ए। थर्ड फॉर्मूला इज इजी, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला से मिलकर बना है। गिवन मास जब हमने निकालना है तो मोलर मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक साइड रख लिया, नीचे वाला मोलर मास राइट हैंड साइड आगे मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ऑफ द न्यूमेरिकल क्वांटिटीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट। अब देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस जो आपको समझ आएंगे। सो लेट्स बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। सी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो बेटा हमें देखिए कितने ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, यानी कि अकेले ओ की बात कर रहा है, ओ2 की बात नहीं कर रहा है। कितने ग्राम है, 64 ग्राम गिवन है। सो गिवन मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन 64 ग्राम एंड ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यूनिफाइड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन जो एटम है उसका यूनिफाइड मास होता है हमारे पास 16 यूनिफाइड मास। तो उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 64 बाई 16 4 मोल्स आ जाएंगे हमारे, कितने आ जाएंगे, 4 मोल्स। इसी तरह से हमने मोल को कैलकुलेट करना है। देन हाउ मेनी मोल्स कंटेन बाय कैल्शियम एटम। तो कैल्शियम का देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, गिवन मास ऑफ कैल्शियम एटम 5 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है हमारे पास, 40 यूनिफाइड मास होता है, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, कैपिटल एम कहेंगे इसे। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एम, गिवन मास स्मॉल एम, मोलर मास कैपिटल एम। तो गिवन हमारे पास 5 है, मोलर मास 40 है, 1/8 इक्वल टू 0.125 मोल्स। सो बेटा इसी तरह से हमने मोल को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोल्स आर कंटेन बाय 9.033 × 10²³ एटम्स ऑफ हीलियम। अब हमारे पास ग्राम में वेट ना देकर किस में दे रखा है, पार्टिकल्स ऑफ एटम दे रखे हैं। जब हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ एटम दिए होंगे उस टाइम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एवोगैड्रो वैल्यू से डिवाइड करेगा। सेकंड फॉर्मूला विल यूज हियर, नंबर ऑफ द
Avogadro value, we know that 6.022 times power 23. This is an important one, and remember this value. Number of moles, given number of atoms upon Avogadro number, given number of atoms 9.033 10 to the 24 upon 6.022 10 to the 23. यहाँ से मैंने पहले पावर को सॉर्ट आउट किया, तो पावर हमारे ऊपर बनेगी बच, वन बच गई है, उसके बाद सारे को सॉल्व किया तो 1.5 इंटू 10 टू द रेस पावर 1, और ये हमारा बन जाएगा डेसिमल को रिमूव करने के बाद में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा जीरो, इसका डेसिमल ओपन करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15. कितने मोल्स आ जाएंगे? टोटल 15 मोल्स आ जाएंगे 9.033 टाइम्स 23 एटम्स के पास. नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ द आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ द आयरन वेइंग 2.8 ग्राम. गिवन वेट ऑफ आयरन इज गिवन 2.8, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज गिवन 56 यूनिफाइड मास. नाउ कन्वर्ट इन टू यूनिफाइड मास योर ग्राम एटॉमिक मास 56. इन सिमिलर सेंस गिवन मास अपॉन मोलर मास सॉर्ट आउट 1/20 मोल्स. वन मोल ऑफ आयरन कंटेन 6.022023 एटम्स एंड 1/20 मोल्स ऑफ आयरन कंटेन. देखिए उसके बाद हमने क्या निकालने हैं, इसमें पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स, आयरन के एटम निकालने हैं, तो हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 6.022023 बिकॉज इट इज़ अ वैल्यू ऑफ वन मोल. तो 1/20 मोल के पास कितने होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 1/20 मोल के पास आ जाएंगे आयरन के एटम 0.3011 टेंस पावर 23 एटम्स. ये हमारा थोड़ा सा आगे की स्टेप का क्वेश्चन हो गया जब हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने थे. तो सबसे इससे पहले हमें मोल को कंसेप्ट का कुछ समझना होगा, नंबर ऑफ मोल्स पहले सबसे पहले फाइंड आउट करने होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए. सी फिफ्थ प्रॉब्लम, वन मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन. वो कह रहा है एक मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम है, तो व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. तो हमें एक एटम ऑफ कार्बन का क्या निकालना है, मास निकालना है. सो वी नो दैट वन मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन, वी नो दैट वन मोल की वैल्यू क्या होती है 6.022 टेंस पावर 23 एटम्स. ये तो हमारे पास वन मोल की वैल्यू होगी. वेट ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन गिवन है हमारे पास 12 ग्राम, एक मोल का गिवन है. अब ये देखो ये भी वन मोल की वैल्यू, ये भी वन मोल की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन होगा, 6.022 टेंस पावर 23 एटम का वेट कितना होगा 12 ग्राम होगा. हमारे पास जो एटम्स हैं देखो बेटा ये वन मोल के कार्बन है और वन मोल का वेट भी हमें दे रखा है, तो 12 ग्राम के पास कितने एटम्स हो जाएंगे, इतने एटम्स हो जाएंगे. और वन एटम का निकालना है तो हमें एटम को लेफ्ट हैंड साइड रखना पड़ेगा. वन एटम का निकालना है तो 12 डिवाइड बाय ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं. देखिए हमारे पास ऐसा हुआ 6.022 टेंस पावर 23 एटम्स, 22 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स कंटेन 12 ग्राम. सो वन एटम का निकालना तो 6.023 तो क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वन एटम का. सो वन एटम ऑफ कार्बन का जो वेट होगा 1.099 टेंस पावर 23. इसमें बेटा एक रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. देखिए अब तो आपको क्या निकालना था, एटम्स बताने थे. दूसरे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने नंबर ऑफ आपके पास ग्राम होगा, अगर आपसे ग्राम पूछ लिया जाता, ठीक है, इतने ग्राम में वेट होगा. अब उल्टा इसे पूछ लिया जाता, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए जाते, तो आप यहाँ पे ग्राम रखते और ग्राम डिवाइड में चला जाता, तो आपके पास आते नंबर ऑफ एटम्स. विच हैज़ द मोर नंबर ऑफ द एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन. इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं. तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट वेट देखकर नहीं बताना किसके पास एटम ज़्यादा होंगे, हालांकि दोनों का वेट इक्विवेलेंट है, बट जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. दोनों का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे गिवन वेट और मोलर मास से. सो सोडियम कंटेन 4.34 मोल्स एंड आयरन कंटेन्स 1.78 मोल्स. सोडियम कंटेन मोर मोल्स एज कम्पेयर टू आयरन ऑफ द सेम वेट, सो सोडियम हैव द मोर नंबर ऑफ एटम्स कंटेन एज कम्पेयर टू आयरन. सेवेंथ, द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 2.65 टेन टू द माइनस 23 ग्राम. What is the atomic mass? What could be the element B? हमें एलिमेंट प्रिडिक्ट करना है. हमारे पास कोई सिंगल एलिमेंट है. एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मास ऑफ वन मोल ऑफ इट्स एटम. ये तो हम जानते हैं जो एटॉमिक मास एलिमेंट का वो न्यूमेरिकली इक्वल किसके होता है, वन मोल ऑफ इट्स एटम. वन मोल की वैल्यू हम जानते हैं 6.022 टेंस पावर 23 एटम्स. गिवन वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स हैज मास, क्योंकि हमारे पास वन एटम है एलिमेंट एक्स का, उसका जो मास कितना है 2.65 इंटू 10 पावर 23 ग्राम. 6.022 टेंस पावर 23 एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स एज द एटॉमिक मास, इतना एटॉमिक मास होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ. द
द मास ऑफ द सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, जो हमारे पास सिंगल एलिमेंट है उसका मास हमें गिवन है, एक एटम का इतना मास है. व्हाट विल बी द एटॉमिक मास, हमने उसका एटॉमिक मास प्रेडिक्ट करना और एलिमेंट को प्रेडिक्ट करना है. सो वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वन मोल ऑफ इट्स एटम. जो एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है, वन मोल के इक्वल होता है. दैट मीन्स वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज मास, वन एटम का मास हमें गिवन है कितना है, 2.65 × 10⁻³3 हमने निकालना है वन मोल एटम्स का. तो वन मोल एटम्स का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे एक एटम से. एक एटम का हमने गिवन है तो जितने नंबर ऑफ एटम्स उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तुम्हारे पास आ जाएगा 15.96 ग्राम अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 16 ग्राम. हैंस द एलिमेंट वुड बी 16 ग्राम, सो दैट इट इज इक्वल टू 16 यूनिफाइड मास एंड एलिमेंट विल बी ऑक्सीजन एटम. वट इज द मास ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो वन मोल ऑफ वाटर, वन मोल ऑफ ग्लूकोज, वन मोल ऑफ सुक्रोज, वन मोल ऑफ सुक्रोज, वन मोल ऑफ ग्लूकोज, वन मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल, इन सारों का निकालना बड़ा ही आसान है. गिवन नंबर ऑफ मोल्स वन मोल है, मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, इसमें हमारा थर्ड फॉर्मूला लगेगा. गिवन मास जब हमने निकालना है, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास हमें पता है वाटर का कितना होगा 18 ग्राम, तो हमारे पास आ जाएंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास हमें पता है 180 ग्राम हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ मास आ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, उसका हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास कितना है 46 यूनिफाइड मास और 460 ग्राम आ गया, तो हमारे पास आ गया 46 × 1 ग्राम. नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सुक्रोज कितना होता है, 342 ग्राम होता है, तो 342 हमारे पास आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट है कन्वर्ट दैट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल्स. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 22 ग्राम हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे मोल्स में कन्वर्ट करना है. गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम, मोलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 यूनिफाइड मास, उसे हमने ग्राम में कन्वर्ट किया. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे, 0.5 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मास ऑफ द 0.5 मोल ऑफ वाटर. नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल, मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास पर मोलर मास होता है. तो हमारे पास जैसे फॉर्मूला में पुट करेंगे हमारे पास क्या जाएगा, मास का फॉर्मूला. इसे हम थर्ड फॉर्मूला से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. 0.5 मोल्स ऑफ द वाटर कंटेन 9 ग्राम वाटर. व्हाट इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. वी नो दैट वन मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स, सो 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6.022 × 10⁻²³ × 20, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे उसके साथ क्या आ गए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. एक मोल की अगर वैल्यू में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 0.25 के पास कितने होंगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. नेक्स्ट इज कन्वर्ट द 12.044 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स इनटू सल्फर इनटू मोल्स, मोल्स निकालने हमने. तुम्हारे पास पता है कि 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स कंटेन, इतने मॉलिक्यूल्स के पास कितने मोल होते हैं, 1, बिकॉज इट इज़ अ वैल्यू ऑफ 1 मोल. तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास कितने होंगे, 1 डिवाइड बाय एवोगाड्रो वैल्यू. और जब हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स का निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए इतने मॉलिक्यूल का निकाल कर वन मॉलिक्यूल का निकाला है. यहाँ पे हमारा आएगा वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, 1/6.022 × 10⁻²³, और इतने का कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सेम मैथ वाला रिलेशन हमने करना है, बस आपने यहाँ पे करेक्शन करनी है, यहाँ पे क्या कर लेना है, वन कर लेना है. व्हाट इज द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेंड इन द ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग द 0.06 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज गिवन 18 ग्राम, वन मोल ऑफ वाटर कंटेन 18 ग्राम, सो 18 ग्राम कंटेन 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स, सो वन मोल कंटेन 6.022 × 10⁻¹⁸, और 0.06 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, तो उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल सा ये कि 18 ग्राम के पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक के पास क्या होंगे, इससे डिवाइड हो जाएगा, और 0.6 के पास कितने हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ द 3.011 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ द नाइट्रोजन गैस. हमने निकालना है इसका मास, तो मास निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. तो एवोगाड्रो वैल्यू वाले फार्मूले से हमने क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स, हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए. उसके बाद हमने मोलर मास निकालना है सेकंड फार्मूला से. मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन में पता है 28 ग्राम है,
तो मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 140 ग्राम आंसर आ जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन द 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ईच एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन टू आयंस ऑफ द एल्यूमिनियम। हर एक एल्यूमिनियम का जो एटम है वो कितने आयन कंटेन कर रहा है, एल्यूमिनियम के दो आयन कंटेन कर रहा है, Al2 3 पॉजिटिव, दो आयन है के पास। ओके, 0.051 ग्राम हमें गिवन है। मास ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट किया 102 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास पर मोलर मास, तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, इतने आगे हमारे पास फ्रैक्शन में छोड़ दिया मैंने। नाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अवोगैड्रो वैल्यू से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक वन मोल की वैल्यू से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। देखिए एक मॉलिक्यूल की वैल्यू है तो इतने एक मोल की हमारे पास वैल्यू ये है, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो नंबर ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन 0.5, आयंस निकालने हैं हर एक के पास कितने आयन प्रेजेंट हैं, एक मॉलिक्यूल के पास इतने हैं, तो टोटल इतने मॉलिक्यूल्स के पास कितने होंगे, इसे 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आगे 6.022×10^20 आयंस आ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करने हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आर यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इफ एनी डाउट देन डिस्कस इन डाउट क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।